में BSNL के 20वीं सर्कल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसका उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और मंत्री श्रवण कुमार ने उद्घाटन किया। कॉन्फ्रेंस में BSNL के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि BSNL को निजी कंपनियों के साथ स्पर्धा में लाना है। कर्मचारियों की जो भी समस्या है उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। कई ऐसी चीजें हैं जो चुनौती के रूप में है, उसे भारत सरकार के मंत्रालय के साथ आप सबों का जो संवाद होता है उसमें ये सारी बात आनी चाहिए। बिहार के स्तर पर जो हमारे कई नमामि गंगे और बुडको के द्वारा जो सीवरेज पाइपलाइन जो बिछाए जा रहे हैं उसके कारण आपके केबल कट रहे हैं हमारे ध्यान में है। हमारे CGM जी ने भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही एक आपके साथ बैठक करके जो इस तरह की तारे हैं जो संचार व्यवस्था के लिए एक लाइफलाइन है वो कट जाए हमारे विकास के विस्तार से, तो वो कहीं कहीं काफी दुखद होगा क्योंकि काफी मेहनत से आप वो सारी चीजें इंस्टॉल करते हैं, तो उसको भी हम गंभीरता से लेते हैं, उसको हम निश्चित तौर पर देखेंगे और करते हैं कि हमारे अधिकारी बेहतर परिवेश में आप जिए, बेहतर आपके लिए जो भारत सरकार की व्यवस्था है बेहतर और सुलभ ढंग से आप तक पहुंचे, जिससे कि आप देश के लिए बेहतर ढंग से काम कर सके। समय की आज थोड़ी कमी रही है, मैंने 1 घंटे की छुट्टी ली है इसलिए, लेकिन आगे के कभी कोई कार्यक्रम ऐसा आपका बना तो निश्चित तौर पर आपके साथ आपकी समस्याओं को हम शेयर करेंगे। ने जो देश के लिए संकल्प लिया है वो सिद्धि तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बंदेमातरम। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।